मैं वीडियो पे ना आके मैं वॉइस कॉल के थ्रू आज मैसेज दे रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग अच्छे से बात कर सके, और कम टाइम में ही बात करना है क्योंकि आज कुछ जो चेंजेस हुए मेन मेन मुद्दे पे ही बात करना है। ठीक है अनिकेत जी, हेलो। मैं अनम्यूट करके रखूंगा सर, मैं एक होटल में हूँ, बाहर निकला था टाउन में। अच्छा ठीक है, लेकिन बीच में अगर आवाज नहीं आएगी तो जरा प्लीज मुझे तुरंत बता देना। जी, मैं म्यूट करके रखूंगा, आवाज आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू करें सर। ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आज रात से कुछ आईएमओन में एक बड़ा चेंजेस किया गया है, लेकिन बड़ा चेंजेस को ऐसा बड़ा समझ के ना करें, वो एक अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए हम लोगों ने ये सारा चेंजेस किए हैं। ठीक है, मैं आप लोग जो भी लोग घर पर हैं या ऑफिस में बैठे हैं या मोबाइल पर हैं, मैं चाहता हूं कि मैं जो जो आज बोलने जा रहा हूं आप लोग उसको ध्यान से या तो समझ लें और साथ में कोशिश करो कि आप लोग उसको लिख लो, क्योंकि आज ज्यादा बात करने से अच्छा है कि हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पे बात करेंगे। तो कृपया करके 2-5 सेकंड आप लोग ले लीजिए, मैं थोड़ा रुक के बोलता हूँ, तब तक आप लोग पेन कागज अपना लिख लीजिए और कोशिश करो कि अपने टीम में डाउनलाइन जो भी है उन तक सभी तक मैसेज को पास करें और अच्छे से हम लोग काम करें। सिस्टम में जो भी उतार चढ़ाव आया वो सभी को भी पता है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, और सिस्टम को आगे ले जाने के लिए कैसे कैसे काम किया जाएगा उसके ऊपर पूरा तैयारी कर लिया गया है। प्लान में पहले कुछ दिनों में काफी बार चेंजेस हुए हैं, तो आज पहला ही लाइन आपको कह दे रहा हूं, जो प्लान अभी बना है ये प्लान शायद बहुत अच्छा प्लान बना है, क्योंकि बहुत लीडर हमारे साथ में है, बहुत सारे डाउनलाइन हमारे साथ में है जिन्होंने थैंक्स कहा है, और इसके ऊपर अब काम चालू होने जा रहा है। अब प्लान चेंज नहीं होगा, प्लान अगर चेंज भी होगा तो प्लान को आसान बनाया जाएगा, हार्ड नहीं बनाया जाएगा। याद रखिएगा, हार्ड नहीं बनाया जाएगा, और जितने भी बंधने लगे जितने भी कंडीशन लगे हैं वो सब कंडीशन हटाए जा रहे हैं, जो मैं धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करते जाओ। थोड़ा मैं भी पेन कागज 1 मिनट में ले लेता हूँ, मुझे जरा एक देना, गिरे ना हो तो क्या रहेगा। अच्छा अब मैं शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप लोग। पहला तो ये कि आप लोग जिस बेस पर काम करें, नंबर वन पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, नंबर वन पॉइंट, आप लोग जिस बेस पे आईमॉन के परिवार में जुड़े थे, जिस बेस पे आप लोग फील्ड में जाकर लोगों को आईमॉन के बारे में बताए हैं, मैं बात कर रहा हूं आईमॉन इंडियन सोशल मीडिया की, वह ऐप अभी नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, हमने यहां से बंद कर रखे हैं। ठीक है, उस ऐप पे पूरी तरह से काम हो रहा है और उसके साथ में जितने भी ऐप हैं वो सभी ऐप को और बेहतर बनाया जा रहा है, और ये बहुत भी नहीं लगेगा, कुछ ही समय में ये हो जाएगा। मैं डेट टाइम नहीं बता रहा हूं कि कितना दिन लगेगा, बहुत दिन नहीं, बहुत कम टाइम में चालू हो जाएगा। अपना व्हाट्सएप ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करो कि यूज करो, क्योंकि व्हाट्सएप लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, वॉइस कॉल वीडियो कॉल बंद करके रखा गया है, आगे हम इसे अच्छा कंटिन्यू चालू करेंगे। तो जो पहला पॉइंट यही है कि जितने सारे अपने एप्स हैं ई कॉमर्स को भी हम इसी में इंक्लूड कर रहे हैं, ये सभी चीजें आपको कम समय में सब प्रॉपर चालू हो जाएगा, और आप मार्केट में अच्छा लोगों को बता भी सकते हो, और जो हमारा रेवेन्यू आ रहा था वो रेवेन्यू और बढ़ जाएगा। नंबर वन पॉइंट, इस चीज को आप लोग मार्केट में बता सकते हो कि जो ऐप ओपन नहीं हो रहा तो उसके ऊपर काम चल रहा है, ये नंबर वन पॉइंट है, आप लोग लिख लीजिएगा कि सभी ऐप्स को सही किया जा रहा है। अब आ जाइए आप लोग नंबर टू पॉइंट्स, नंबर टू पॉइंट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म चालू हो रहा है वो सिर्फ जो मेंबरशिप लिए हैं उन्हीं के लिए ही नहीं होगा, इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी शॉपिंग कर सकता है, कोई भी शॉपिंग, चाहे मेंबरशिप लिया हो चाहे ना लिया हो। तो ये पोर्टल आपको डेट टाइम ना बता के सरप्राइज के तौर पे लाइव कर दिया जाएगा, लाइव हो चुका है, बस इसमें और बेहतर करके लाइव करने जा रहे हैं विद इन टाइम, बस इतना समझिएगा। ये हो गया ई कॉमर्स। नंबर तीन, आईमॉन सिनेमा, आईमॉन वॉच, आईमॉन ट्रिप, इसे भी हम लोग अच्छे से लॉन्चिंग कर रहे हैं, होटल वगैरह कनेक्टिंग
पूरा चालू हो चुका है। ये हो गया पूरा, हम एप्स के बारे में शॉर्टकट में आपको क्लियर कर दिए हैं। अब नंबर फोर आ रहा है, नंबर फोर, अब हम लोग पॉइंट्स की बात करते हैं। अब पॉइंट्स मेन, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब तो अभी एप्स के बारे में बात हो रहा था, ई कॉमर्स के बारे में बात हो रहा था। नंबर फोर, जो हम लोग ने अभी नया कुछ बदलाव किए हैं, चेंजेस किए हैं, उसके ऊपर ध्यान से सुनिएगा। अभी जब आप डैशबोर्ड ओपन करते हो, ध्यान से सुनिएगा, जब आप डैशबोर्ड ओपन करते हो तो आपको पहले एक वॉलेट दिखाई देता था, अब आपको वहां पर तीन वॉलेट दिखाई दे रहा है। तीन वॉलेट, पहला वॉलेट है जो पॉइंट्स का है, जो पहले आप लोग यूज करते थे, विड्रॉल लेते थे और जो भी वहां से काम होता था, माइनस प्लस पॉइंट्स, टिकट रेस के पॉइंट्स, सब कुछ वहीं पर आते थे। दूसरा हमने बनाया लाइव पॉइंट्स। लाइव पॉइंट्स, लाइव पॉइंट्स का मतलब हुआ एक तरह से ऐसे ही समझो, पॉइंट्स जैसे पुराना वाला था वही वाला लाइव पॉइंट्स है समझ लो, लेकिन लाइव पॉइंट्स आज रात के 12 बजे से चालू हुआ है, आज से। यानी जिन्होंने आज अपना डेली पॉइंट्स या लेवल इनकम पे बटन पर क्लिक किए हैं तो उनका पॉइंट्स डायरेक्टली लाइव पॉइंट्स में गया है, ठीक है, पुराने पॉइंट्स में नहीं गया है, ठीक है। तीसरा बटन है हमारा पिन वॉलेट। पिन वॉलेट बहुत लोगों को पता है कि पिन वॉलेट क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि आईमोन ने भी अब पिन वॉलेट चालू कर दिया है। यानी आपको जो डैशबोर्ड में पॉइंट्स, लाइव पॉइंट्स, पिन वॉलेट दिखाई दे रहे हैं, ये तीन बटन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये पॉइंट्स जिनके पे आउट्स या जिनके लेबल इनकम, जिनके एडीएस पॉइंट्स बहुत लोगों के थे, आज उनके लाइव पॉइंट्स में गया है। यहां पर बहुत लोगों के वॉलेट में बहुत सारा पॉइंट्स पड़े हुए थे, वो लाइव, वो पुराने पॉइंट्स में डाल दिए गए हैं। अब मेन सबसे बड़ी बात, पांचवा, इसको हम एक डिस्क्रिप्शन देके पांचवा नाम देते हैं, उनके लिए हम पांचवे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिए, पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा नंबर, फिफ्थ पॉइंट। मार्केट में इन्हीं को लोग गलत भी बता सकते हैं और सही तो बताएंगे ही बताएंगे, तो ध्यान से सुनो जो पांचवा पॉइंट है। जिन्होंने मेंबरशिप लिया था, चाहे वो 10 दिन हुआ है, चाहे 15 दिन हुआ है, चाहे 5 दिन हुआ है, चाहे 2 दिन हुआ है, उन्होंने विड्रॉल लिया, चाहे कल विड्रॉल लिए थे, चाहे विड्रॉल नहीं लिए हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये उनके लिए बात हो रहा है जिन्होंने नई आईडी 1500 रुपया लगाए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर उनका 3000 पॉइंट्स नहीं बना है, ध्यान से सुनिएगा, जिनका 1500 रुपया लगाए थे बट वो 3000 पॉइंट्स अभी तक नहीं बना है, बीच में विड्रॉल लिए हैं, उनके भी सारे पॉइंट्स अभी, ध्यान से सुनिएगा, अभी पुराने पॉइंट्स के बटन में, वॉलेट में पड़ा हुआ है। अभी आज आप रात के 12 बजे आपको वो चीज नहीं दिखाई दिया, आप लोगों को लगा होगा यार कल तो मेरा 25 पॉइंट था, या परसों मेरा, या 10 दिन पहले तो मेरा इतना पॉइंट्स था, तो कंपनी ने तो पूरा पॉइंट्स तो पुराने में डाल दिया, तो यार मैं तो विड्रॉल भी नहीं मारा था 10 दिन, अब मुझे तो फिर से 500 जमा करने के लिए फिर से 20 दिन लगेगा, यानी यार मैं तो निकाल ही नहीं पा रहा हूं, कंपनी प्लान पे प्लान ला रही है। तो आप लोग ध्यान से सुनो, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने विड्रॉल अगर लिए थे या नहीं लिए थे, आपका पॉइंट्स जितना भी बना था, उनका पॉइंट्स लाइव पॉइंट्स में डाला जा रहा है। आज ये जूम मीटिंग होगा, कुछ लोग आए हैं, इनसे मुलाकात होगी, ये लेट टू लेट होगा, लेकिन 12 बजे रात के पहले ये सब सही कर दिया जाएगा। मीन्स शॉर्टकट में आपको एक ही लाइन में, जिन्होंने 1500 का मेंबरशिप लिया, उनका पॉइंट्स जो भी बना था वो पॉइंट्स के वॉलेट में था, लेकिन वो पॉइंट्स आज रात के 12 बजे के पहले वो सारे पॉइंट्स उनके लाइव पॉइंट्स में आ जाएंगे, यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये हो गया लाइव पॉइंट्स का बात, अब शायद आप लोग समझ गए रहेंगे, जाएगा जो 1500 लगाए थे लेकिन 3000 तक वो नहीं पहुंच पाए थे, तो उनका जो भी बना था वो लाइव पॉइंट्स में आ जाएगा। ये हो गया पांचवा नंबर, एकदम क्लियर। अब मैं आ रहा हूं छठवें नंबर पे। छठवां नंबर, जो जिन्होंने 3000 से ज्यादा पॉइंट्स पाए थे, जिन्होंने भी, कोई भी हो, तो उनका सारा पॉइंट्स इस समय पुराने पॉइंट्स में है। ध्यान रखिएगा, वो चाहे 3000 से लेके 10000 तक होंगे,
उनके सारे पॉइंट्स कल तक के डाल दिए गए हैं पुराने पॉइंट्स में। हो सकता है जैसे कि कंपनी में कुछ दिक्कतें आई थी, तो 7 तारीख से बीच में विड्रॉल भी चालू हुआ था, बहुत लोगों ने विड्रॉल भी लिया है, और तो उनका पॉइंट्स हो सकता है कि जब पे आउट 500 बन तो हो सकता है कि 10,000 जमा भी उनके उसको डाल दिया गया है पॉइंट्स। तो कॉपरेट करो आप भी, यानी 3,000 से 10,000 वाले तक की आप लोगों के पॉइंट्स में डालेंगे। ये बुरा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जूम पर आज जो बातें हो रही है मैसेज वायरल नहीं होगा क्योंकि लोग एडिटिंग कर सकते हैं। तो आपके पॉइंट्स को ओल्ड पॉइंट्स रखा गया है, इसका बेनिफिट क्या है वो आप देखिए। आज अगर सोचोगे यार मैं तो पॉइंट्स इन्होंने ओल्ड में डाल दिया, आप मैं इसको निकाल भी नहीं, क्या करूंगा इस, तो यार ध्यान से अच्छा डिसीजन लिया है कि आपके पॉइंट्स में सर कितना है? किसी में 20,000 हो सकता है, किसी में 30,000 पॉइंट्स हो सकता है, की बात कर रहा हूं मैं, जो छोटे लोग हैं जिनका 20 पे आउट रुका था, बीच में निकाले होंगे तो थोड़ा बहुत कम हुआ होगा ये पॉइंट्स। आप लोग ईक पे यूज होगे, ध्यान से सुनो, ईक पे यूज करोगे वो भी आपको कंपनी हर मटेरियल एवरी मटेरियल पे 25% डिस्काउंट देगा, 25। यानी आप अगर 10 प्रोडक्ट खरीदते हो, आपके वाले समझो 10,000 पॉइंट पर आओ, एवरी प्रोडक्ट 25% बचा लो, यानी 10,000 में 2,500 रुपया आपका ऐसे ही ऑफ हो जाएगा। कंपनी ने सभी के लिए क्या काम किया है, आपको ई कॉमर्स के लिए कंपनी कोई भी जबरदस्ती 10 सेंट एक्स्ट्रा नहीं काटेगा। यानी आप विड्रॉल करो या भी करो तो 15% ही देना पड़े। ध्यान से सुनो, कंपनी ने 25% बीच में लगाया था, कंपनी डिसीजन लिया, मैनेजमेंट की डिसीजन लिया, कुछ डाउनलाइन की बातों को समझा गया और कुछ लीडरों के भी बताया गया। तो 10 कंपनी ई कॉमर्स पे नहीं काटेगी आपका परसेंट ही, लेकिन आपके हुआ इसलिए कंपनी आपको 25% का आपको बेनिफिट देगा ई कॉमर्स के हर एक प्रोडक्ट पर, हर एक पर सर। तो आप वहां से ई कॉमर्स पर जा सकते हो, ई कॉमर्स 10 दिन 20 दिन 1 महीना होगा ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी चालू कर रहे हैं। और तौर पे भी बता देता हूं ताकि आप लोगों को भी इस मैसेज को समझ सको कि जा रहा है, क्योंकि लोग नहीं तो ऐसा कहेंगे यार कंपनी 500 रुपए की चीज को 5,000 में बेचेगा तो यार मेरा तो 4,000 ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं, मौन ऐसा नहीं करे। आपको एक उदाहरण, घर पर आपके पंखे लगे होते हैं, सीलिंग फैन, एंड आपको बहुत अच्छे तो 2,500-5,000 नॉर्मल जो फैन हमारे लगते हैं वो 900-1,200-1,500 रुपए में मैनेज हो जाते दुकानदार के थ्रू। वो फैन कंपनी को है, हाँ ध्यान से सुनो, हमें जो कंपनी, हमें जो हमारा प्रोडक्ट रेडी हुआ है 300-400 रुपए के बीच में, अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी से आपको ज्यादा महंगा नहीं। कुरियर चार्जेस एक तरह से गवर्नमेंट के कुरियर सर्विसेज लेते हैं और जाता है वो जो पेमेंट कटेगा वो बढ़ के कंपनी समझ लो आपको मिनिमम 10-20% एक प्रॉफिट आप समझो 500-600 में देगी। यानी आपके पंखे को हम 1200 रुपए में 600 में ही दे रहे, तो आपका पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में इस्तेमाल होगा। तो ध्यान, कंपनी आपका 10% नहीं, कंपनी को अगर कोई प्रॉब्लम होता, मैं कुछ गलत वर्ड नहीं कुछ कर रहा हूं कि अब हमें आगे बढ़ना है, तो आप 10% कटे, आपके पुराने पॉइंट्स यूज कर सकते हो ई कॉमर्स में। प्लस वो भी बता दे रहा हूं, ई कॉमर्स में साथ साथ आप उसको दूसरे भी जगह दो टाइप के